चाहते हो फिर इन लोग का मंगल चाहते हो तो मेरी यही बात जीवन में मनुष्य के सुखद और सुलभ एक पथ है वो क्या है तो भगवे श्रवण करने से जीवन में भक्ति अवतरित हो जाती है। श्री राम चरित्र श्रवण करने से स्मरण करने से जीवन में कर्म योग उपस्थित हो जाता है, कर्म सिद्ध हो जाएंगे हमारा। परमात्मा श्री राम के वचनों को सुनकर जीवन को देखकर मनुष्य का आध्यात्मिक पथ मंगलमय हो जाता है। भगवान की कथा श्रवण करके, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु की कथा श्रवण करके जीव ज्ञानी हो जाता है। चाहे मार्ग चाहे जहां आप जाए, ज्ञान मार्गी जो होगा ज्ञान में अवस्थित हो जाएगा, कर्म मार्गी जो होगा वो कर्म में अवस्थित हो जाएगा, भक्ति मार्गी जो होगा वो भजन में अवस्थित हो जाएगा, और जो आध्यात्मिक चेतना में उपस्थित होना जाता है वो उस मार्ग में प्रवेश कर जाएगा। राम चरित्र का वैशिष्ट्य हम आप नवदिन समझ करेंगे। जिस ग्रंथ के आश्रय में माने मेरे प्रभु श्री राम राम, यह चित्त में कदाप न रखे कि केवल राम जी के चरित्र का सरे शक्ति के बिना ब्रह्म का कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप दर्शन करिए, मेरे राघव सरकार भी शक्ति के साथ है और मेरे भोले बाबा भी शक्ति के साथ है। जीवन में सत्वा तो भगवान है, सब शक्ति के संग में देना रखना उठाना तरीका भारतीय समाज, परंतु पुरुष भाव प्रधान समाज है हमारे। इसलिए लाख उसको समझा आज प्रथम दिवस है, आप इसको ठीक से समझिए और सोचिएगा। पंक्ति बोली आपने जो बोला वो प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित रामकृष्ण जी महाराज, उसको पत्नी में 20 व्याधि दिखाई पड़ती है, हमको नहीं दिखती। क्यों? हमारे गृहस्थी भगवान की कृपा बड़ी अच्छी है। जहां भी हम कमजोर होते हैं उसी बात का बार बार हमको स्मरण होता है। हम मजबूत हैं, महत्वपूर्ण हैं, हम बलवान हैं, शक्तिवान हैं। जहां तक चिंतन है मनुष्य मात्र का, मनुष्य जो जीता है वही सोचता है। एक पंक्तियों को तो बाद में स्पर्श करेंगे। ये देखिए, यह जो ग्रंथ है इसमें 7 कांड है। कांडों में 2 प्रकार का नामकरण है, एक अवस्था प्रधान है और दूसरा स्थान प्रधान है। भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण जिसमें है विवाह तक, इस कांड का नाम है बाल कांड। भगवान ने विवाहों का जो तप त्याग विमर्श आदि का जीवन दिया उसका नाम है अयोध्या कांड। कथा अयोध्या से प्रारंभ होकर अयोध्या में पूर्ण होती है बर प्रिया के पादुका सहित आगमन पर।
बन चले गए स्थानक प्रधान, इसलिए इस स्थान का नाम है कारुण्य। तप भी करते रहे, चिंतन भी करते रहे, परंतु क्या करें समझने सरकार के भी नहीं आ रहा वर्षा ऋतु में, उसका नाम है कुष्पिंडाकांड। स्थानक प्रधान है एक प्रवास करे जिसका नाम है कुष्पिंडा। स्वामी महाराज के सदगुरु भाव के मार्गदर्शक श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरु के करनी का, सदगुरु की करुणा का, सदगुरु के तप का, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा उस भाव पर प्राप्त हुई। उसका स्मरण करके पूज्य बाल गोस्वामी जी ने पंचम सोपान का नाम रखा सुंदर पान। स्थान प्रणाम है वो खंड, महर्षि वाल्मीकि जी ने इसका नाम युद्ध कांड रखा, गोस्वामी जी महाराज ने इसका नाम रखा लंका कांड। जीवन में अनेक प्रश्न है, जीवन में अनेक इच्छाएं हैं, जीवन में अनेक समस्याएं भी हैं। हम जब औरों को देखते हैं तो क्या लगता है, अरे ये तो बड़े सुखी हैं, इनके मौत की कौन नाप कहेगा, ये बड़े बोझ में। आप दो दिन उनके साथ रह जाओ तो आपको लगेगा हमको बिना मतलब परेशान है, इनसे अधिक मौज में तो हम घूम रहे हैं। जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है इस काम का नाम है उत्तरकांड। देश देश परिवेश लगभग सब सम है, मिला जुला है, हमारे मिश्रान में इन्हीं के यहाँ से जाके भगवती आदि शक्ति सब संभाले पड़ी है। बहुत बहुत समझ में नहीं आता, जब उससे दूर होते हैं ये सब समझ में आने लगता है। जैसे हम लोग आपकी कथा के पहले राजस्थान में कथा कर रहे हैं, स्टाइल है, ढंग है, परंतु यहाँ जब हम आए यहाँ की मधुरता वास्तव में बड़ी प्यारी है। यहाँ क्षेत्र है इसी इस मिट्टी में मधुरता बहुत है, बड़ा माधुर्य है। अभी थोड़ी दृष्टि हो तो मिट्टी में सुगंध आने लगेगी। कैसे होता है, जहाँ के लोग जैसे होते हैं वहाँ की मिट्टी की सुगंध भी वैसी बन जाती है। आपको जो सुना रहे हैं अथवा सुनाएंगे उसकी पीढ़ियां कहां से चलती हैं उसको देखकर उसके बारे में पता लगता है। उसको कहते परंपरा। किसने किसको सुनाया ये पंक्तियां दर्शन शंभो के ने Thank you.
सिद्धांत है, कोई भी तर्क अपने में प्रतिष्ठित नहीं है, तर्को अप्रतिष्ठा। क्यों? श्रुति यह विभिन्ना, श्रुतियां अनेक है, विभिन्ना स्मृतियां एक है, और धर्म तत्व धर्मस्त तत्व निहितम गुहायाम। धर्म तत्व तो बड़ा जटिल है, तो माने किसको? महाजनों जैन गत संबंधा, समाज के, परिवार के, नगर के, विश्व के श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पर चले वही मार्ग हमको चलने योग्य है, यह धर्म सिद्धांत है। तर्क गलत बोली, नया कुछ सनातन धर्म यह क्या न करे, कौन सही है कौन गलत है, आप समझिए नहीं। भगवान की मंडली चौथी भक्ति हो सकती है, सहयोगी लोग बजाते हैं, अपने नाम जी गाते हैं, चौथी भक्ति बनाते हैं। क्यों? बाबा ने मां से कहा है, सोई जस गावे भगत भव तरही कृपा सिंधु जन हे तनु। पहला दिन में आप नौ में से एक पकड़ लो तो भागी भी जागी, पकड़िए तो जो जी जी जी।
Namaskaram.